आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेकिंग सोडा होता है जो हम खाने में डालते हैं वो किस काम आता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को भी दबाना। आज की जो वीडियो है वीडियो के बारे आपका बकरा खाना पीना छोड़ दिया है तो खाना पीना छोड़ दिया तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ आज। तो अब बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। जो भी बकरे खाना पीना छोड़ देते हैं तो 50 ग्राम बेकिंग सोडा तकरीबन 1 या 2 लीटर पानी में मिक्स करके दीजिए और वो बकरे को पिला दीजिए। प्यासा हो तब पिलाइए, नहीं तो इसको देने का बेस्ट तरीका आपको बकरे को 1 से 1.5 लीटर पानी में मिला कर देना है बेकिंग सोडा। और पानी थोड़ा कुनकुना होगा, मतलब मीडियम गर्म होगा, वो पानी में बकरों को पिलाना है। बकरे नॉर्मल इतना गर्मी में नहीं पींगे। आपको क्या करना है, 1 से 2 लीटर कुनकुने पानी में मिलाकर पिलाना है। मैं नहीं तो नॉर्मल भी आप पानी में बेकिंग सोडा जो है एकदम सस्ता इलाज है। आप इसको फ्री चॉइस का भी रख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी काम आता है। बेकिंग बकरे बकरे के जो वजड़ी होती है वो सही रखता है, वजड़ी के अंदर तरीके से वजड़ी के अंदर सही वजड़ी के अंदर सही तरीके से फैलता है जहाँ जहाँ। तो बकरे बकरे को पिलाइए, बकरे को बकर बकरा आपका खाएगा पीगा और गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बेकिंग सोडा ही काम की चीज़ है। बेकिंग सोडा ही काम की चीज़ है। तो आप ज़रूर अपने बकरों को कभी न कभी 2 हफ्ते में 2 या 3 टाइम आप इसको या फिर आप फ्री चॉइस बकरा बकरा खाना बक, बकरा बकरे को पता पता है कितना खाना है क्या खाना है। तो आप उसको उसके सामने रखेंगे तो वो चाटेगा या उसके बाद वो खुद खुद ही हट जाएगा। अगर आप इसको फ्री चॉइस रखते हैं तो अच्छा है, बट पानी में मिलाने से क्या होता है वजड़ी में सही तरीके से फैलता है। पानी कुनकुना हो तो सोडा सोडा से तो ये सही तरीका है, तरीके से फैल जाएगा वजड़ी में और बकरे का जो खुराक है वो शुरू हो जाएगा। बकरा पीना इसलिए छोड़ देता है कि आपसे ओवर फीडिंग हो गया हो या फिर उसने कुछ गलत खा लिया हो तो उसे हजम नहीं हो पा रहा है। रिम्यूम एक मशीन की तरह होता है, मशीन की तरह काम करता है। जब मशीन रुक जाती है इसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है सही तरीके से। तो आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा देना है। ये बेकिंग सोडा छोटा अगर बच्चे और पैदा हुए बच्चे को भी मैं देता हूँ इम्यून सिस्टम को सही करने के लिए। तो बेकिंग सोडा दे सकते हैं अपने बकरों को आराम से, और देसी है, कोई केमिकल वगैरह नहीं है और एकदम सस्ता मिल जाएगा। सब इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छोटे फार्मर हैं जिनको दवाइयाँ नहीं मिलती। और बेकिंग सोडा आप हमेशा रख सकते हो अपने पास, फ्री चॉइस दे सकते हैं आप। बकरे बकरे छोटा बकरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पानी पानी के साथ दोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।